आजकल पहले हम एक सूत्र लेते हैं, सदंधयार उज्जो छाया पहा छाया तवेवा वन रस गंध फासा पुगलाणम तुलखणम। छब्बीस सौ साल इस बात को हुए हैं, एक वैशाली गणराज्य में छोटा सा राज्य था, उसका उपराज्य भी कह सकते हैं, जिसे कुंड ग्राम कहते थे। वहां के जो राजा हैं सिद्धार्थ, उनकी तीसरी संतान के रूप में एक बालक का जन्म होता है, नाम वर्धमान रखा जाता है। तीस वर्ष की आयु में दीक्षा लेते हैं। साधना के मार्ग पर अपने पावन चरण बढ़ाते हैं। साढ़े बारह वर्षों तक भरी पूरी तपस्या करते हैं, हर प्रकार का कष्ट सहन करते हैं, हर प्रकार का दुख, हर प्रकार की वेदना उन्होंने अपने जीवन में उन सालों में, उन वर्षों में झेली और उसका प्रतिसाद भी मिला। साढ़े बारह वर्षों का जब ये साधना काल समाप्त हुआ, तब परिपूर्ण ज्ञान जिसे कहते हैं ब्रह्म का बोध, इस जिसे हमने एक शब्द दिया कैवल्य ज्ञान, केवल ज्ञान, वह घटित हुआ। ये समय बिल्कुल ऐसा ही था जैसे कि एक रात जिसमें काले कजरारे बादल आसमान में छाए हों, ऊपर से अमावस की रात हो, और रात बीतने पर जब सुबह है, सूर्योदय होता है, तो जैसे घनी से घनी रात्रि भी सूर्योदय के होते ही दिन के उजाले में बदल जाती है, ऐसे ही प्रभु का ये ज्ञान का प्रकटन होना भी ऐसा ही कुछ इस सृष्टि के लिए था। श्री सुधर्मा स्वामी भगवान महावीर स्वामी के लिए कहते हैं, न नाय पुत्ता परमथ्य नानी, ज्ञात पुत्र से अधिक या उनसे बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि उनसे पहले तीर्थंकरों को महावीर से कम ज्ञान होगा। बात यह है कि बोध की अंतिम सीमा केवल आत्मा है, और आत्मा का परिपूर्ण बोध ही अंतिम ज्ञान है, अंतिम बोध है, या ज्ञान की सीमा है। जब अज्ञान के अंधेरे को मिटा, तभी ज्ञान का सूर्य प्रकटन हुआ, और उस ज्ञान सूर्य में परमात्मा ने जो देखा, जैसा देखा, वैसा उन्होंने संसार को बताया। ये लोक क्या है, जीव क्या है, अजीव क्या है, पुण्य पाप, आश्रव संवर, निद्रा बंद, मोक्ष आदि जितने भी तत्व हैं, धर्म अधर्म, आकाश काल, पुद्गल और जीव, ये छह द्रव्य हैं।
इसके अलावा और भी बहुत सारे जिन, यदि आप आगम पढ़ते होंगे तो आपको उन बातों का बोध होगा। अपने ज्ञान दृष्टि से देखकर उन्होंने जो भी जैसा था, एक्चुअल जैसा था वैसा उन्होंने उपस्थित किया, या वैसे उपस्थित करने की कोशिश की, वैसा प्रयास किया। यदि ऐसा कहें कि महावीर ने सत्य को अधिकतम से अधिकतम सटीकता से कहने की कोशिश की है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अधिकतम से अधिकतम सटीकता से तात्पर्य है कि किसी भी नए, किसी भी एक पक्ष, किसी भी एक दृष्टिकोण के प्रति महावीर का कोई आग्रह ही नहीं है, कोई आग्रह नहीं है। और यही कारण है कि महावीर के लिए सत्य को प्रकट करना खेल जैसा है, क्योंकि जब किसी एक दृष्टिकोण की आसक्ति नहीं होती, जब किसी एक मान्यता के प्रति हमारा मोह नहीं होता, तब सारे दृष्टिकोण हमारे हो जाते हैं। और जब सारे दृष्टिकोण हमारे हैं, तो सत्य को जिन जिन तरीकों से प्रकट किया गया है, वो सारे तरीके हमारे हैं। और यही खासियत महावीर की है। जब उन्होंने जो छह द्रव्यों का अपने दृष्टा भाव से, अपने ज्ञाता भाव से जब उन्होंने देखा, तो उनकी स्थिति बताई कि ये कैसे हैं। जिनमें पांच द्रव्यों के विषय में आपने कल श्रवण किया, आज हम छठे द्रव्य को लेते हैं, जो रह गया था वो है पुद्गल। पुद्गल द्रव्य के विषय में परमात्मा फरमाते हैं कि शब्द अंधकार अंधेरा, उद्योत जिसे हम सूर्य का प्रकाश भी कह सकते हैं, प्रभा ये छाया जो कहीं प्रकाश में जाने पर हमारे शरीर की या किसी भी वस्तु की पड़ती है, आतप अग्नि की ऊष्मा आदि, एवं वर्ण गंध रस और स्पर्श, ये जिसके गुण हैं, जिसके लक्षण हैं, उसको पुद्गल कहते हैं। कि पुद्गल क्या है, तो कहा कि जिसमें अंधेरा होना चाहिए, तो कहा फिर उजाले का क्या होगा, करे फिर उजाला भी होना चाहिए। अंधेरा और उजाला ये दोनों पुद्गल की अवस्थाएं हैं, पुद्गल के गुण हैं, पुद्गल के धर्म हैं, पुद्गल का स्वरूप है। इसी तरीके से छाया और आतप, जो छाया है वो भी पुद्गल का ही स्वरूप है, और जो आतप है वो भी पुद्गल का स्वरूप है। कई यहां पर दो चीजों में हमें थोड़ी सी ये भ्रम हो जाता है, एक है अंधेरे के विषय में और दूसरी छाया के विषय में, कि अंधेरा और छाया ये पुद्गल कैसे हैं। पर गजब की बात ये है कि अंधकार और छाया ये दोनों को ही महावीर पुद्गल कह रहे हैं। पुद्गल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अंधकार भी चक्षु का विषय है और छाया तो स्पष्टतः चक्षु का विषय है, और जो किसी भी इंद्रिय का विषय हो सकता है उसको महावीर कहते हैं ये पुद्गल है, क्योंकि पुद्गल का ही धर्म है जिसका, जो इंद्रियों का विषय बन सकता है। एकमात्र पुद्गल ही छह द्रव्यों में ऐसा है जिसे हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से पकड़ सकते हैं, जिसे हम अपनी इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां भी केवल और केवल पुद्गल से ही बनी है। साइंस लगभग 108, 109, 112 लगभग इतने तत्व बताता है, जिसे वो एलिमेंट कहते हैं। 108 हो या 109, 112 जितने भी तत्व हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, और भी बहुत सारे हैं, सारे नाम मुझे पता नहीं है, पर ये जितने भी नाम हैं 108 तत्व बताते हैं। उसमें वो कुछ तत्व हैं धातु रूप, कुछ तत्व हैं अधातु रूप, जैसे ऑक्सीजन वगैरह हो गया ये अधातु रूप हैं, और फास्फोरस वगैरह हो गया ये धातु रूप हैं। जब इन सारे तत्वों को उन्होंने बताया है, तो महावीर सिर्फ इसे एक नाम दे देते हैं, वो कहते हैं पुद्गल है।
विज्ञान कहो कितने भी कहो, जब आप सांख्य दर्शन पढ़ेंगे, जब आप योग दर्शन पढ़ेंगे, तो सांख्य दर्शन में प्रकृति से लेकर यहाँ तन्मात्राओं और महाभूतों तक लगभग 24 तत्व हैं या 25 तत्व हैं। इन 24 तत्वों को वो अलग अलग नाम देते हैं, पहले प्रकृति, फिर महत्तत्व जिसे बुद्धि कहते हैं, फिर बुद्धि से अहंकार, अहंकार से फिर चित्त मन आदि, फिर वहाँ से इंद्रियाँ, इंद्रियों से तन्मात्राएँ, तन्मात्राओं से महाभूत, फिर ज्ञान कर्मेंद्रियाँ और ज्ञानेन्द्रियाँ, ये पूरे के पूरे 24 तत्व। महावीर कहते हैं कि तुम 24 कहो या एक कहो, बात सिर्फ ये है कि ये पुद्गल है। आप उन्हें विभाजित करके 24 रूपों में बांट रहे हो, पर महावीर कहते हैं कि ये तो एक ही है। क्यों? क्योंकि मूल इसका जो स्वरूप है वो है पुद्गल, जिसे हम, जिसे सांख्य या योग कहता है कि ये प्रकृति है, महावीर उसे कहते हैं कि ये पुद्गल है। जब एक ही पुद्गल है तो उसके क्या उन्होंने स्पष्ट गुण बताए हैं, वो स्पष्ट गुण ये हैं, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श। इसकी चर्चा हमारी शुरुआत में ही हो चुकी है, जब हमने निर्ग्रंथ प्रवचन का आरंभ किया था, तो प्राथमिक दिवस में जब मूर्त और अमूर्त की चर्चा आई थी, तो वहां पर इसे बहुत अच्छे तरीके से हमने समझने की कोशिश की थी, और जितना मुझसे हो सका मैंने उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उसमें यही है कि मूर्त अर्थात पुद्गल, अमूर्त अर्थात जो अन्य द्रव्य हैं जिनमें आत्मा भी सम्मिलित है। तो ये जो मूर्त द्रव्य है पुद्गल, इसके गुण बताएं कि शब्द होना चाहिए, शब्द अर्थात उसमें कोई ध्वनि होनी चाहिए। अमूर्त तत्व में कोई शब्द नहीं होता, कोई ध्वनि नहीं होती, ध्वनि मात्र ही सूचित करता है किसी पुद्गल के होने की। पुद्गल होगा तो आवाज होगी, पुद्गल ना होगा तो ध्वनि नहीं होगी। जहां ध्वनि है तो आप समझ लो कि वहां पुद्गल विद्यमान है। दूसरा अंधकार, अंधेरे से आप समझ गए हैं। तीसरा उद्योत, जिसे प्रकाश कहते हैं। चौथा प्रभा, जिसे सूर्य के अलावा चंद्रमा है, नक्षत्र है, ग्रह है, या फिर जैसे हमारे पास हीरे मोती वगैरह, जो इनका प्रकाश होता है उसे प्रभा कहते हैं। उसके बाद छाया, उसके बाद आतप, आतप अग्नि की ऊष्मा को या सूर्य के रोशनी से, सूर्य की किरणों से जो हमें गर्मी मिलती है उसको आतप कहते हैं। ये सारे के सारे गुण, ये सारे के सारे लक्षण पुद्गल के हैं। फिर उसके बाद वर्ण अर्थात रंग, कोई कलर होना। उसके बाद गंध, कोई गंध होना, कोई खुशबू होना। उसके बाद रस, कोई स्वाद होना। और उसके बाद कोई स्पर्श, कोई किसी ना किसी पर, जैसे हल्का, भारी, ठंडा, गर्म, लूखा, चिकना, ये कठोर, कोमल, ये सारे के सारे जो स्पर्श हैं ये पुद्गल के हैं। जैसे हल्का होना या भारी होना, ये पुद्गल का अपना गुण है, क्योंकि अमूर्त तत्व ना हल्का होता है ना ही भारी होता है। जो जिसके हल्के भी और भारी भी जिसमें आपको मिलेगा, उसे हम स्पष्ट तौर पर कहेंगे कि ये पुद्गल है। अब पुद्गल के सारे गुण आपके सामने स्पष्ट हो गए कि उसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, उसमें शब्द होगा, अंधकार होगा, प्रकाश होगा, और छाया होगी, और आतप होगी, और प्रभा होगी। ये सारे के सारे गुण पुद्गल के। ये तो हुए 6 द्रव्यों के विशेष विशेष गुणों के विषय में हमने स्पष्टतः जो समझने की कोशिश की वो ये है। पहला है धर्म। आप इन्हें मन में विचार कर धार कर रखें, क्योंकि जैन दर्शन की अगर नींव है तो ये 6 द्रव्य हैं, ये 9 तत्व हैं। यदि आपके ये क्लियर हैं तो आपका जैन दर्शन क्लियर है। आप किसी को एक्सप्लेन कर सकते हो कि हम क्या मानते हैं इस विश्व व्यवस्था के बारे में, इस स्व के बारे में, इस स्व से जुड़े हुए पुद्गलों के और पदार्थों के बारे में, इस पूरी की पूरी इस सृष्टि के बारे में हमारी क्या मान्यता है। इसलिए जैन पारिभाषिक शब्दावलियों में सृष्टि जैसा शब्द नहीं है, ब्रह्मांड जैसा शब्द नहीं है। यहाँ या तो लोक कहा जाता है या द्रव्य की अवस्थिति कही जाती है, यहाँ सृष्टि नहीं कही जाएगी, क्योंकि सृष्टि शब्द का मतलब होता है सृष्ट, जिसे किसी ने बनाया हो, जिसे किसी ने उत्पन्न किया हो। अब जैसे सांख्य है, न्याय है या पौराणिक है, ये सब कहते हैं कि इस सृष्टि को कोई बनाने वाला है, इसलिए वहां पर सृष्टि शब्द आया है, क्योंकि कोई है पीछे कुम्हार की तरह, जैसे कुम्हार घड़े बनाता है, ऐसे कोई है जो इस पूरे के पूरे इस चक्र का क्या कर रहा है, इसको बनाया जा रहा है। एक शब्द और आया ब्रह्मांड,
वो भी यही है कि कोई है ऐसा जो इसको क्या कर रहा है, सतत निर्मित किए जा रहा है। महावीर की शब्दावली में ये दोनों ही शब्द नहीं मिलेंगे। वो क्यों कहते हैं, वो द्रव्यों की सही अवस्थिति यदि आप समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सृष्टि और ब्रह्मांड जैसे शब्द क्यों यूज नहीं किए। क्यों? क्योंकि जब धर्म की बात आई तो वो देता है गति, या देता भी नहीं है, केवल उपस्थित रहता है जैसे प्रकाश। अधर्म उसकी उपस्थिति में स्थिति होती है, रुकना होता है, ठहराव होता है। आकाश गति और स्थिति, चलना और रुकना जहां होता है, या पांच द्रव्य जहां रहते हैं, जिसमें रहते हैं, जिसके आधार पर रहते हैं, उसे कहते हैं आकाश। उसके बाद काल, जो चीजों को बदला हुआ आपको दिखा देता है उसको कहते हैं काल। उसके बाद है पुद्गल, वर्ण गंध रस स्पर्श आदि जिसमें है उसको कहते हैं पुद्गल। और उसके बाद है जीव, जिसे जंतु कहो, जीव कहो, आत्मा कहो। आत्मा का जो यहां पर गुण बताया वो बताया उपयोग। अभी छह द्रव्य हैं, ये हो गए इनके विशेष गुण। विशेष गुण का मतलब हो गया कि ऐसे गुण हैं जो इन्हें एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न करते हैं। ये धर्म की जो गति लक्षण है ये किसी और दूसरे में नहीं मिलेगा। ये केवल और केवल धर्म की अपनी स्वाभाविकता, अपना स्वरूप, ये उसका अपना धन है जो उसके पास, उसके अधिकार में है। इसका इस ये जो गति लक्षण है ये किसी और में नहीं है। फिर उसके बाद अधर्म, जो जिसका लक्षण है वो उसी का अपना स्वरूप कहलाएगा, इसको कहते हैं विशेष, क्योंकि वो एक दूसरे से अलग कर रहा है। अब जब ये द्रव्यों की बात आती है कि ये धर्म है, ये अधर्म है, ये आकाश है, ये काल है, यदि चलो हमने मान लो कि हमने इन्हें जान भी लिया और हमने इन्हें नहीं भी जाना, तो जानने से हमें लाभ क्या होगा और ना जानने से हमें हानि क्या होगी। चलो मान लो कि हमने इनको जान लिया कि ये धर्म है, ये अधर्म है, ये आकाश है, ये काल है, ये पुद्गल है और ये जीव है। मान लो कि चलो हमने जान लिया तो हमें लाभ क्या होगा, क्योंकि इतनी मगजमारी कि ये धर्म का और फिर धर्म का ये गुण, फिर ये अधर्म और अधर्म का ये गुण, इतनी मगजमारी करने की क्या आवश्यकता है। और चलो हम मान लेते हैं कि हम नहीं जानते थे, आज तक हमने इन्हें जाना नहीं, तो हमें हानि क्या हुई। नहीं जानेंगे इन्हें तो हानि क्या होगी, नुकसान क्या है, नहीं जानते। पर देखो जब द्रव्य के स्वरूप की बात आती है कि द्रव्य के स्वरूप को जानना क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है इन चीजों को जानना, क्योंकि सबसे पहली चीज जो आत्मा के साथ उसके संसार का कारण जुड़ा हुआ है, जो उसे संसार में रखता है, बंधन में रखता है, जो उसे मुक्त नहीं होने देता, वो है उसका मिथ्यात्व। मिथ्यात्व अर्थात उसका भ्रम, उसकी अपनी कल्पना। जब हम वस्तु के स्वरूप को, द्रव्यों के स्वरूप को जानते हैं, तब सबसे पहली जो सबसे पहला आघात होता है, जो सबसे पहली चीज है जो गिरती है, जो सबसे पहली चीज है जो नष्ट होती है, वो है हमारा मिथ्यात्व। और जिसका मिथ्यात्व गिर गया, जिसका मिथ्यात्व मिट गया, जिसका मिथ्यात्व समाप्त हो गया, महावीर कहते हैं कि वो अब मुक्ति के मार्ग पर स्थित हो गया। अब वो जीव मुक्त होने ही वाला है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो जीव क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। जब तक वस्तु का स्वरूप, जब तक द्रव्य का स्वरूप, द्रव्य में क्योंकि मैं भी हूं, द्रव्य में क्योंकि ये जीव, ये आत्मा भी है, जब तक अपना या पर का स्वरूप स्पष्ट न हो, जब तक भेद विज्ञान न हो, तब तक कोई जीव मुक्त होने की, चाहे उसमें योग्यता ही क्यों ना हो, परंतु वो योग्य हो नहीं सकता, वो मुक्त हो नहीं सकता। कारण क्या है? कारण है कि मुक्त होने की जो सहज अवस्था होनी चाहिए, उसके कुछ नियम होते हैं। नियम का मतलब कुछ कारण है कि मुक्ति के लिए आपको एक स्थिति चाहिए होती है, अवस्थिति चाहिए, वहां आप पहुंचेंगे तो सहज मुक्ति होगी। पर जब तक आप मिथ्यात्व को पकड़े रहेंगे, वस्तु के स्वरूप से ही भ्रमित रहेंगे, तब तक आपके लिए मुक्ति संभव नहीं है। तब तक आपके लिए बंधन है और बंधन वाले जीव को दुख है, सुख और दुख बस भटकन है,
भ्रमण है, घूमना है, फिरना है, बस इस एक वलय में, इस एक चक्र में बस घूमते जाओ घूमते जाओ घूमते जाओ, पहुंचना कहीं भी नहीं है। इसलिए महावीर कहते हैं कि वस्तु के स्वरूप को, द्रव्य के स्वरूप को स्पष्ट करना, क्लियर करना आपके लिए, आपके विजन के लिए बिल्कुल ये जरूरी है, ये आवश्यक है। जब तक आप वस्तु के स्वरूप को नहीं समझेंगे तब तक मुक्ति का मार्ग आरंभ नहीं होता। जब तक भेद विज्ञान नहीं सधता तब तक मुक्ति का मार्ग आरंभ नहीं होता। जब तक सारी चीजों के एक्चुअल स्थिति का पता ना चल जाए तब तक मुक्ति का मार्ग आरंभ नहीं होता। इसलिए महावीर कहते हैं कि इन छह द्रव्यों की वस्तु स्थिति को, एक्चुअल जो उनकी अपनी स्थिति है, जो अवस्था है, जो उनका स्वरूप है, उसके सब के एक एक स्वरूप को जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले द्रव्य के स्वरूप को जानने के जो लाभ हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं कि द्रव्य स्वरूप को जानने के, इन छह द्रव्यों के स्वरूप को चलो जान भी लेंगे तो हमें लाभ क्या होगा। हानि तो आपको बता दी है कि हानि, सबसे बड़ी हानि है आत्मा की हानि होती है। अपने आप से ही अनजान रह जाते हैं, अपने से ही अबोधता रह जाती है, अपने में ही अज्ञानता रह जाती है। और अपने से अज्ञात रह जाना, अपने से अनजान रह जाना, ये दुर्भाग्यों में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इस संसार में अनेक दुख नहीं है, दुख केवल एक है जो अनेक रूपों में भासता है, दिखता है। अनेक प्रकार के सुख और दुखों की तो केवल कल्पना की जाती है, असली में तो दुख केवल एक ही है और वो है कि जीव स्वयं को नहीं जानता। केवल इतना सा दुख है। और स्वयं को नहीं जानता इसका मतलब है कि उसकी, उसको कोई सा भी द्रव्य, ये छह हैं, इनमें से कोई सा भी द्रव्य उसे स्पष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसे ये अपना स्वरूप स्पष्ट होगा उसे ये सारे के सारे द्रव्य अपने आप स्पष्ट हो जाते हैं। तो हम पहले लाभ की बात कर लेते हैं। हानि का तो पता चल गया कि जीव अज्ञानी रह जाता है, जीव मिथ्यात्वी रह जाता है, अविद्या के बंधन में, माया के ही बंधन में रह जाता है। तो लाभ क्या है? तो कहा कि द्रव्य को जानने का, द्रव्य के स्वरूप को साफ करने का, शुद्ध करके उसका, उसको ज्ञात करने से कुछ लाभ होते हैं। सबसे पहला लाभ होता है कि हमें ये पता चलता है कि द्रव्य अनंत गुणात्मक है और परिपूर्ण है और निरपेक्ष है। हर एक द्रव्य, जितने भी द्रव्य हैं, इसमें छह हैं, तो छह के छह द्रव्य अनंत अनंत गुणात्मक हैं। अब जब वो अनंत गुणात्मक है तो वो अपने आप में निरपेक्ष हैं। निरपेक्ष का मतलब होता है उन्हें एक दूसरे की अपेक्षा नहीं है। धर्म के लिए कोई गति करे या ना करे उसे कोई मतलब नहीं है। गति करे तो वो उपस्थित है, पर ना गति करे तो ये नहीं है कि यार ये गति करते क्यों नहीं है, ये चलते क्यों नहीं है, ये बैठ क्यों गए, ये स्थिर क्यों हो गए। वहां कोई आकुलता व्याकुलता जैसी चीज नहीं है। निरपेक्षता का मतलब है कि कोई गति करे या ना करे, अधर्म के लिए कोई बैठे या ना बैठे, कोई सतत ही चलता रहे तो भी उसे कोई लेना देना नहीं। आकाश के लिए भी यही है, वो उसकी स्वाभाविकता ऐसी है कि सब उसके आधार पर रहते हैं। और गजब की चीज ये है कि कोई ऐसी जगह नहीं जहां आकाश ना हो। पर ये कि एक भी चीज ये कि यदि आप आकाश को इनकार भी कर दो कि हम तेरे आधार पर नहीं रहेंगे तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा संभव नहीं है, पर कल्पना करो कि कह दो कि नहीं हम तुमसे बाहर हो जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं। इसको कहते हैं निरपेक्ष होना, एक दूसरे की आवश्यकता ना होना, एक दूसरे के सहारे की जरूरत ना होना, उसे कहते हैं निरपेक्ष। जब वो निरपेक्ष है तो आप कहोगे कि फिर वो संसार अवस्था में तो पुद्गल में है, तो आप ऐसे कैसे कह सकते कि निरपेक्ष है? क्योंकि परिपूर्ण है, संपूर्ण है वो, उसे किसी अधूरा, कोई अधूरापन नहीं है उसमें, किसी में भी अधूरापन नहीं है। जिन छह द्रव्यों में जीव समेत, जीव में भी अपने आप में कोई अधूरापन नहीं है। अधूरापन यदि वो महसूस करता है तो वो केवल और केवल उसका अज्ञान है। यदि उसको ज्ञान हो, यदि उसको बोध हो, तो उसको पता चलता है कि अरे जैसे सारे द्रव्य परिपूर्ण है वैसे मैं भी परिपूर्ण हूं, जैसे सब निरपेक्ष है वैसे मैं भी निरपेक्ष हूं। तो अपनी निरपेक्षता का, अपनी परिपूर्णता का, अपने ही अनंत गुणात्मकता का बोध होता है। जब अपनी इस निरपेक्षता का, इस अनंत गुणों का पता चलता है तब अपनी महिमा का पता चलता है कि अरे मैं तो वही हूं,
जब जीव अपनी महिमा का बोध करता है, तभी सही मायनों में जीव गरिमामय बनता है। इसलिए आप जब भी किसी आत्मज्ञानी को देखेंगे या किसी भी आत्मज्ञानी का चरित्र पढ़ेंगे, तो आप उसमें एक गरिमा पाएंगे जो सामान्य जीवों में पाया नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि सामान्य जीव उनसे रहित हैं, बस उनके प्रकटन नहीं है। प्रकटन तब होता है जब जीव अपने ही बोध से भरता है, अपनी परिपूर्णता से आह्लादित रहता है। कोई है तो आनंदित है, कोई नहीं है तो भी आनंदित है। द्रव्य को पहला जानने का कारण, पहला जानने का उसको ये लाभ है कि अपनी ही परिपूर्णता का, अपनी महिमा का पता चलता है कि अरे मैं तो स्वयं अनंत गुणों का धारी हूं। जब ये पता चला, फिर दूसरा लाभ है, हमारा जन्म होता है इस शरीर के माध्यम से, फिर हमारी मृत्यु होती है इसी शरीर के माध्यम से। जन्म हुआ, हम कहते हैं कि हमारा जन्म हुआ, खुशी मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। जब मृत्यु आती है तो हम कहते हैं हम मरे, और फिर उसका दुख भी होता है कि हाय मर गए हाय मर गए। बात यह है कि प्रत्येक द्रव्य स्वयंभू है। स्वयंभू का मतलब होता है अपने आप होना। इसका कोई पिता नहीं है, इसका कोई मां नहीं है कि कोई बैठा हो और उसे पैदा किए जा रहा हो। किसी भी द्रव्य को पैदा करने वाला कोई नहीं है, सब स्वयंभू। स्वयंभू का मतलब भगवान शिव और भगवान विष्णु के नाम है स्वयंभू। इसका मतलब यही हुआ कि प्रत्येक द्रव्य यदि स्वयंभू है तो वो अपने आप है। जब पता चलता है कि अरे मैं तो अपने आप हूं, जब द्रव्य को, जीव को अपनी स्वाभाविक स्थिति का पता चलता है कि मैं तो स्वयंभू हूं, किसने मुझे पैदा किया, तो सबसे पहली बात है कि जन्म को और मृत्यु की जो धारणा होती है वो टूट जाती है। ना जन्म हुआ है और ना मृत्यु होगी। केवल जैसे हम कपड़े बदल दें ना रोज, ऐसे ही बस, जैसे घर बदलते हैं ऐसे ही जीव को पता चल जाता है कि कपड़े बदलने पर जैसे आपको दुख नहीं होता, पीड़ा नहीं होती, ऐसे ही शरीरों के आने और जाने पर दुख और परेशानी नहीं होती। जब शरीर की एक्चुअल स्थिति का पता चल गया, ये तो कपड़े की तरह है, तब शरीर से जुड़े हुए रिश्ते और नातों की सारी सही स्थिति का पता चल जाता है। तब किसी के प्रति आसक्ति और मोह नहीं रहता। फिर आप कहोगे कि मोह नहीं रहेगा, आसक्ति नहीं, तो घर बार तो छूट जाएगा? नहीं छूटेगा, क्योंकि प्रेम तो तब भी विद्यमान रहेगा। प्रेम और करुणा की समाप्ति नहीं होती। महावीर को अपने गर्भ में ही सारी की सारी चीजें क्लियर हैं, जो मोटी मोटी जो चीजें होती हैं, ये द्रव्यों की सारी स्थिति का, जन्म और मृत्यु के सारे रहस्यों का पता है। आसक्ति किसी से भी नहीं है, परंतु माँ का अपने प्रति इतना मोह देखकर उन्होंने एक प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मेरे माता पिता रहेंगे तब तक दीक्षित नहीं होऊंगा, तब तक संन्यास धारण नहीं करूंगा। तो प्रेम तो रहेगा, हाँ आसक्ति नहीं रहेगी, बंधन नहीं रहेगा, अप्रतिबद्धता आ जाती है। हवा की तरह बहता है पर बंधता कहीं नहीं है। हवा की तरह सब जगह उपस्थित रहता है, सबको जीवन देता है, परंतु बंधता, बंधन कहीं नहीं जोड़ता। किसी के प्रति आसक्त नहीं होता, किसी में लिप्त नहीं होता। यहां तक कि हवा के माध्यम से गंध, जो सुगंध है या दुर्गंध है, वो भी गति करते हैं उसके साथ मिलकर, पर फिर भी हवा न सुगंध ले जाती है न दुर्गंध ले जाती है। न सुगंध में राग और न दुर्गंध से उसे द्वेष है। जब पता चल गया कि मैं स्वयंभू हूं, तो जन्म और मृत्यु का भय गया। जब जन्म और मृत्यु का भय गया, तो फिर जीवों के प्रति, रिश्ते और नातों के प्रति रही हुई आसक्ति, रहा हुआ मोह भी चला जाता है। ये द्रव्य की वास्तविक स्थिति जानने का दूसरा लाभ। तीसरा लाभ क्या है? तीसरा लाभ है, छह द्रव्य हैं और छहों के इनमें कुछ द्रव्य ऐसे हैं जिनके जो गुण है ना, वो बिल्कुल विपरीत हैं। विपरीत का मतलब बिल्कुल ही उल्टे। अब जैसे आप एक लो धर्म और अधर्म, ये दो, इनमें जो धर्म है वो गति का सहायक है, अधर्म है वो स्थिति, रुकने का, ठहराव का सहायक है। अब चलना और रुकना दोनों बिल्कुल ही उल्टी चीजें हैं, बिल्कुल ही अलग चीजें। गति और स्थिति, गति का मतलब ही है कि कुछ गति हो रही है, और स्थिति का मतलब रुक गया है। इसी तरीके से आप पुद्गल को लो और जीव को लो। जीव का मतलब होता है चैतन्य,
और बाकी के जितने भी हैं वो है अचैतन्य, अचेतन जिनको हम कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। वस्तु तो है परंतु उनमें जीवत्व नहीं है, उनमें चेतना नहीं है, उनमें उपयोग नहीं है, वो नहीं जानते। जानता तो केवल एक ये है, ये जीव ही है जो सबको जानता है, इसको भी जानता है और इसके अलावा जो इसके आसपास है उनको भी जानता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दीपक अपने आप को भी प्रकाशित करता है और दूसरी वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। जैसे सूर्य स्वयं को भी प्रकाश देते हैं और संसार को भी प्रकाश देते हैं, जीव ही है एक ऐसा जो स्वयं को भी प्रकाशित करता है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है। बृहदारण्यक उपनिषद में महर्षि यज्ञवालक्य और देवी गार्गी के मध्य में बड़ा एक मधुर संवाद मिलता है। संवाद तो बहुत बड़ा है परंतु उस संवाद में एक महत्वपूर्ण उन्होंने वहां पर सूचना मिलती है, वो ये मिलती है। गार्गी कहती है महर्षि से कि महर्षि, संसार में प्रकाश का कारण क्या है? किसके कारण हम संसार में वस्तुओं को देख पाते हैं या किसके कारण ये वस्तुएं प्रकाशित होती हैं? तो महर्षि यज्ञवालक्य ने कहा सूर्य की वजह से, सूर्य है इसलिए प्रकाश है। तो गार्गी ने कहा सूर्य अगर ना रहे तो किससे प्रकाश होगा? तो कहा फिर चंद्रमा से प्रकाश होगा। करे यदि चंद्रमा ना रहेगा तो फिर किससे प्रकाश होगा? तो कहा ग्रहों से और नक्षत्रों से प्रकाश होगा। तो कहा करे यदि ग्रह और नक्षत्र भी ना रहे तो किससे प्रकाश होगा? तो कहा करे फिर ध्वनि से प्रकाश होगा, आवाज से। कई बार जब अंधेरा हो और इतना अंधेरा हो कि एक दूसरे को देखना मुश्किल हो, तब एक दूसरे को आवाज देकर बुलाते हो ना, ए मैं इस कोने में हूं, यहां पर आओ, ऐसे ऐसे करके। तो उन्होंने कहा कि ध्वनि से, आवाज से, स्वर से फिर प्रकाशित होगा, स्वर ही प्रकाश मान करेगा या प्रकाश देगा। फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मान लिया कि जब ध्वनि ना होगी, शब्द ना होगा, शब्द के अभाव में कौन प्रकाश करेगा? तो क्या करे शब्द के अभाव में ये ब्रह्म, ये जीव, ये आत्मा स्वयं प्रकाश करेगी। तो गार्गी ने कहा यदि ब्रह्म ना होगा, आत्मा ना होगी तो? तो महर्षि बोले कि गार्गी अब तुम्हारा जो प्रश्न है वो प्रश्न नहीं है, अति प्रश्न है। अति प्रश्न का मतलब कि अब तुम्हारा प्रश्न समाप्त हो गया है, ये तुम्हारा प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्म का मतलब ये है जो सदाकाल प्रकाशित है, जो हमेशा रहेगा, जो पहले था, आज है और हमेशा है। ब्रह्म का मतलब ही यही है। स्थिति अर्थात आत्मा का मतलब ही यही है, जो पहले भी था, अब भी है और आगे भी है। तो यहां पर कि द्रव्य जो पुद्गल है उसका अपना जो गुण है वो है अचेतन या वो अजीव है, उसमें प्रकाश जो आत्मा का उपयोग गुण है वो उसमें नहीं है और आत्मा में वो है। जब आत्मा में वो है तो ये दोनों विरुद्ध धर्मी हो गए, एक चेतन है और एक अचेतन है, एक जीव है और एक जड़ है, एक चैतन्यधारी है और एक बिल्कुल ही पुद्गल और वो जिसको हम जड़ कहते हैं वो है, ये बिल्कुल विरोधी हैं। पर गजब की बात ये है कि धर्म हो या अधर्म, जीव हो या अजीव, ये रहते एक साथ हैं। ऐसा नहीं है कि भैया तू अजीव है तो जीव है तो जीव धक्का देके भगा देता हो कि चलो मुझे नहीं चाहिए अजीव या मुझे अजीव के साथ नहीं रहना। नहीं, लोक स्थिति ऐसी है, ये पूरा का पूरा जो लोक हमारा है इसकी स्थिति ही ऐसी है, इसका स्वरूप ऐसा है कि विरुद्ध धर्मी, अलग स्वभावी, अलग स्वरूप होने के बावजूद सब एक साथ एक क्षेत्रावगाही होकर रहते हैं। एक क्षेत्रावगाही, ये फिर से ये शब्द आ गया, एक क्षेत्र के अवगाह, एक क्षेत्र में स्थान बनाकर रहना, उसके एक क्षेत्रावगाही कहते हैं। एक जगह में ही सारे के सारे पुद्गल, सारे के सारे जीव, ये धर्म अधर्म, आकाश काल, ये छहों के छहों द्रव्य एक एक आकाश प्रदेश पर स्थित हैं। पर गजब ये है कि एक साथ विरोधी धर्म होने के बावजूद ये सह अस्तित्व इनका विद्यमान है। जब ये पता चला कि ये सारे जो हैं ये सह अस्तित्व वाले हैं, तो आज जो हमारा समाज है, आज जो हमारे आसपास है, ये माहौल जो है ना इंसानों ने बड़ा गड़बड़ कर दिया है। गड़बड़ ये कह रहा हूँ, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये जैन है, ये बौद्ध है, ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, और फिर जैनियों में भी ये अलाना, ये फलाना, ये ढिमकाना है भगवान। फिर अगर और बड़े स्तर पर देखो तो ये हिंदुस्तानी, ये पाकिस्तानी, ये चाइनीज, ये जापानीज, ये जर्मनी, ये फ्रांसिस, और ये पता नहीं इंग्लैंड वाले, ये यूएसए वाले, और सबकी नाक देखो तो सही, क्या सत्यानाश मारा हुआ है।
सारे द्रव्य एक स्थान पर एक जगह पर सह अस्तित्व के साथ रह रहे हैं, जबकि विरोधी धर्म वाले हैं, पर एकमात्र इस इंसान की ही बुद्धि को पता नहीं कौन सा काट मार गया है, कौन सा बिच्छू काट गया, ये एक साथ रहना पसंद नहीं करता। मेरा हिंदुस्तान, मेरा चीन, मेरा जापान, मेरा पाकिस्तान, बस यही लगा रहता है, सदियों से बंटवारा करता चला आ रहा है, सदियों से भी नहीं सहस्त्राब्दियों से, लगता है तब से जब से इसने थोड़ी सी चेतना संभाली है तभी से बंटवारा चालू कर दिया इसने। और ये बंटवारे की इतनी आदत पड़ गई है कि केवल हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं करता, फिर हिंदुस्तान में भी रहेगा तो फिर बिहारियों को अलग करेगा, महाराष्ट्रन को अलग करेगा, गुजराती अलग करेगा, तमिलियन अलग करेगा, मलयालम अलग करेगा, हरियाणवी अलग करेगा, और पंजाबी भी कौन से कम है, वो भी अलग करेंगे। चलो भैया इतना बांट दिया अब तो खुश हो जाओ, अब तो टिक जाओ, अब तो थम जाओ ना, पर नहीं। फिर महाराष्ट्र में, फिर महाराष्ट्र में हम कौन से जगह बैठे हैं, क्या जगह है, इसका नाम क्या है, बीड, ये मराठवाड़ा है ना, फिर मराठवाड़ा अलग होगा, खानदेश अलग होगा, और वो एक हाँ विदर्भ, मैं तो नाम भी भूल जाता हूँ, है ना। फिर विदर्भ वाले कहेंगे कि भैया मराठवाड़ा ऐसा, मराठवाड़ा वाले कहेंगे कि कोंकण वाले ऐसे, कोंकण वाले कहेंगे कि वो ऐसे, फिर वो भी बांटेंगे, फिर यहां मराठवाड़े वाले भी यहां संतुष्ट नहीं होंगे, वो बांटते 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 यहां तक कि एक ही माँ के पेट से जन्म लेने वाले दो भाई होंगे तो दोनों भाइयों की भी मति ऐसी भ्रष्ट, वो भी एक साथ ना रहेंगे, उनको भी अलग अलग चाहिए, घर अलग चाहिए, रसोई अलग चाहिए। अरे भैया बीवी अलग ले ली, वो इतनी में संतुष्ट हो जाओ ना, अब घर भी अलग चाहिए तुम्हें, तुम्हें रसोई भी अलग चाहिए, पर नहीं। अज्ञानता जो न करवाए वही कम है, ये मिथ्या बुद्धि, ये कल्पना बुद्धि, ये भ्रम वाली बुद्धि इस जीव से जो अनर्थ न करवा दे, जो पाप न करवा दे, जो दुख के सारे निमित्त न जुटवा दे, वही कम है। जैसे पुद्गल, जैसे ये सारे के सारे द्रव्य, सारे के सारी वस्तुएं एक साथ हैं, विरोधी होने के बावजूद एक साथ हैं, और कभी इनमें कोई समस्या नहीं आती, अनादि काल से ऐसे हैं और अनंत काल तक ऐसे रहेंगे, वहां कोई समस्या नहीं है। समस्या ये है, एक घर में नहीं रह सकते, एक जिले में नहीं रह सकते, एक मोहल्ले में नहीं रह सकते, जहां तुम रहोगे वहां हम नहीं रहेंगे, तुम्हारी उपस्थिति में हम नहीं रह सकते। ये सारे के सारे भाव, ये सारी के सारी बीमारी पता नहीं इस मनुष्य ने कहां से सीखी, यही बात समझ में नहीं आती। जब द्रव्यों की स्वाभाविक स्थिति का पता चल जाता है तब ये बंटवारा बंद हो जाता है। पता चल गया कि सह अस्तित्व ही मेरा जीवन है, भोजन करता हूं उस भोजन में जो सब्जी खाता हूं वो जीव है, वो जो आटा दाल चावल जो मेरे भोजन में आता है वो सारे के सारे जीव है, वो मुझ तक आए हैं, वो मुझे जीवन दे रहे हैं, जिस जल के आधार पर मेरा जीवन चल रहा है वो भी जीव है, जिस वायु को मैं प्राण ऊर्जा के रूप में ले रहा हूं और जीवित हूं, जिन प्राणों को धारण करके उस प्राण को जो बढ़ाता है, जो टिकाता है, वो हवा भी जीव है, जिस अग्नि के माध्यम से तुम अपना भोजन पका पाते हो वो भी जीव है। जीवन टिक रहा है या नहीं टिक रहा है इन जीवों की वजह से, जीवित है ना, सह अस्तित्व हुआ या नहीं हुआ। इसलिए तो आचार्य उमा स्वाति कहते हैं परस्पर उपग्रह जीवाना, जीवों का एक दूसरे पर परस्पर उपकार है, पर हम इस उपकार को, इस सहयोग को, इस सह अस्तित्व को भुला देते हैं क्योंकि द्रव्य की स्वाभाविक स्थिति का पता नहीं होता। बातें तो और भी हैं, पर देखो बोलते बोलते मैं भी फ्लो में बह जाता हूँ, टाइम भी हो गया, पर आज इतना ही है कि हम द्रव्य की स्वाभाविक स्थिति का पता चल जाए तो सह अस्तित्व आ जाता है, एक दूसरे के साथ रहना आ जाता है, प्रेम आ जाता है, करुणा और मैत्री का भाव आ जाता है। आज केवल इतना ही, आगे भी इस विषय को अभी थोड़ा और लेंगे, कितना ये खींचता है देखते हैं, पर आज के लिए इतना ही, इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति।